दोस्तों, पोल्ट्री ट्यूब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्रॉयलर WFG मुर्गी पालन के बारे में बात करने वाले हैं। ये ब्रीड कितना फीड खा के तैयार होती है, इसके एक दिन के चूजे कितने के मिलते हैं, इसका फीड मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, इसकी मुर्गियाँ कितने अंडे देती हैं, और लास्ट में हम आपको ये भी बताएँगे अगर आप इसका पालन करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं, तो मार्केट में आपको इसका रेट कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिल सकता है। तो एक ही वीडियो में WFG से संबंधित पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, ताकि अगर आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं, खासकर क्रॉयलर WFG, तो एक ही वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाए। और जब भी आप क्रॉयलर WFG का पालन करें, तो पहले से ही आपके पास पूरी जानकारी मौजूद हो। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले सभी दर्शकों से अनुरोध है, जो दर्शक भाई हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि मुर्गी पालन से संबंधित जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें, आपके मोबाइल तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वैसे हम आपको बता दें कि इस YouTube चैनल पे हम सिर्फ मुर्गी पालन से संबंधित ही वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों, बात करें अगर क्रॉयलर WFG की, तो ये ब्रीड ब्रॉयलर और देसी ब्रीड को क्रॉस करके बनाया गया है, जिसकी वजह से इसका हाव भाव, इसके खाने का तरीका, इसके रहने का तरीका, यहाँ तक कि इसका रंग थोड़ा बहुत देसी मुर्गी की तरह ही होता है, हालांकि ये मल्टीपल कलर में पाए जाते हैं। दोस्तों, क्रॉयलर WFG ब्रीड एक डुअल पर्पज ब्रीड है, जिसका पालन आप अंडे उत्पादन और मांस उत्पादन दोनों के लिए कर सकते हैं। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ब्रीड को स्पेशल कम समय में अधिक मांस उत्पादन के लिए विकसित किया गया है। चूँकि ये ब्रीड अच्छी खासा मात्रा में अंडे देती है, तो पोल्ट्री फार्मर इसका पालन अंडे उत्पादन के लिए भी करने लगे। वैसे अगर इसके अंडे उत्पादन क्षमता की बात करें, वैसे तो इस ब्रीड की मुर्गियां 140 से 160 अंडे देने की क्षमता रखती हैं, लेकिन कभी कभी इनके अंडों की संख्या 180 तक देखी जाती है। दोस्तों, क्रॉयलर WFG ब्रीड की अगर विशेषता की बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इस ब्रीड की उत्पत्ति देसी ब्रीड से हुई है, जिसकी वजह से इसकी रहने और खाने की आदतें बिल्कुल देसी मुर्गी और मुर्गियों की तरह होती हैं। जैसे कि आपके देसी मुर्गे और मुर्गियां आप फ्री रेंज में लेके जाते हैं, उन्हें वेजिटेबल के वेस्टेज खिलाते हैं, घर का बचा हुआ खाना खिलाते हैं, और कुछ पोल्ट्री फार्मर भाई घर पर ही पोल्ट्री फीड बनाते हैं, तो इस तरह से भी आप इसका पालन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, अगर ये सब चीज़ें आप इसको खिला के इसका पालन करते हैं, तो ये तैयार होने में और अधिक समय लेगा। दोस्तों, क्रॉयलर WFG की एक विशेषता ये भी मानी जाती है कि इसमें मोर्टैलिटी रेट भी बहुत कम देखा जाता है। मान के चलिए कि 4 से 5% के अंदर ही इसमें मोर्टैलिटी होती है, और कोई अगर बाहर से बीमारी नहीं आती, तो बहुत ही कम मृत्यु दर देखने को आपको मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं क्रॉयलर WFG के चूज़े के दाम की, क्योंकि अगर हम क्रॉयलर WFG का पालन करेंगे, तो सबसे पहले हमें इसके चूज़े के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके चूज़ों का रेट हर महीने हर प्रदेश में अलग अलग देखा जाता है। वैसे अधिकतर समय ये देखा जाता है, अगर मार्केट में क्रॉयलर WFG चिकन की डिमांड ज़्यादा रहती है, तो इसके चूज़ों का रेट भी अधिक होता है, और अगर इसके मुर्गों का रेट मार्केट में कम चल रहा है, तो इसके चूज़ों का रेट ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो मान लीजिए अभी की अगर बात करें, तो क्रॉयलर WFG का रेट अभी प्रयागराज में 95 से 98 रुपए तक आ गया है, जो कि बहुत ही कम है। तो इसके वजह से इसके एक दिन का चूज़ों का दाम भी 12 से 15 रुपए तक आराम से मिल जा रहा है, जबकि जब इसका मैक्सिमम दाम होता है सर्दियों के टाइम में, जब ये 120-125 पर केजी तक होता है, तो इसके चूज़ों का दाम 25 से 30 रुपए तक हो जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगर हम क्रॉयलर WFG का पालन करते हैं, तो इसको तैयार होने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुछ लोग क्रॉयलर WFG को बाहर का भी चारा खिलाते हैं, और कुछ ऐसे भी पोल्ट्री फार्मर होते हैं जो कि इसका चारा खुद बनाते हैं। लेकिन अगर इसका पालन आप 100% पोल्ट्री फीड पे करेंगे, जो कि मार्केट में क्रॉयलर ब्रीड के लिए बनाया जाता है, तो इसको तैयार होने में 55 से 60 दिनों का समय लगता है, और 60 दिनों के अंतराल पर इसका वजन 2 kg तक आराम से हो जाता है। और अगर आप इसका पालन हरा चारा, बाहर का फीड, ये सब चीज़ें खिला के करते हैं, तो इसको तैयार होने में 10 से 15 दिनों का समय और अधिक लग सकता है। दोस्तों, वीडियो के शुरू में ही हमने बताया था कि क्रॉयलर WFG एक डुअल पर्पज ब्रीड मानी जाती है, यानी कि इसका पालन आप अंडे और मांस दोनों पर्पज के लिए कर सकते हैं। तो जो लोग अंडे उत्पादन के लिए इसका पालन करना चाहते हैं,
उनकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आप इसकी मुर्गियों का पालन करते हैं तो ये 140 से 145 दिनों के बाद अंडे देना शुरू कर देती हैं और एक साल में कम से कम 140 से 160 अंडे तक देती हैं। और अगर अच्छे से आपने इसका फीड मैनेजमेंट किया तो इसके अंडों की संख्या 180 तक जा सकती है। दोस्तों, अगर क्रायलर डबल एफजी मुर्गों के वजन की बात करें तो इनके मुर्गों का अधिकतम वजन 3.5 kg से लेकर 4.5 kg तक जाता है और इनके मुर्गियों का वजन 3 kg से लेकर 3 kg 200 g तक अधिकतम हो सकता है। दोस्तों, क्रॉयलर डबल एफजी की अगर मार्केट रेट की बात करें तो जब हमने इसके चूजे का दाम बताया था उसी समय आपको बता दिया था कि इसका मिनिमम रेट अभी फ़िलहाल 90 से 95 रुपया पर केजी और मैक्सिमम रेट जब मार्केट में इसकी डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई बहुत ही कम होती है उस समय ये 130 रुपये पर केजी तक चला जाता है। दोस्तों, क्रायलर डबल एफजी एक ऐसा ब्रीड है जो कि जो किसान जिनके पास ज़मीन की कमी है, जिनका फार्म छोटा है, जिनके पास पूंजी की कमी है और जिनको कि कम समय में रिटर्न चाहिए, उनके लिए क्रायलर डबल एफजी पालन बहुत ही फ़ायदेमंद बिजनेस है। दोस्तों, हमने कई क्रायलर डबल एफजी फार्म पे विज़िट किया हुआ है और फार्मरों से मिलके उनका इंटरव्यू लिया हुआ है। अगर उनका आप वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं और इसके बारे में और अधिक डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि क्रायलर डबल एफजी का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं।